बीते एक दशक में भारत तेज गति से चल पड़ा है। विराट संकल्प, अटूट विश्वास, तेज और सर्वस्पर्शी विकास के पथ पर, और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, निर्णायक फैसलों और नीतियों के कारण। देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की इस विकास यात्रा की अहम भागीदार है हमारी युवा शक्ति। युवाओं के सामर्थ्य, हौसलों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने बीते 10 सालों में रोजगार, स्वरोजगार और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के अनेकों नए मौके बनाने के लिए समग्र और सतत प्रयास किए हैं। आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 शहरों में हो रहे हैं। इसी कड़ी में युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महासंकल्प का नाम है रोजगार मेला। भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना दिया गया है। अब हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां बीते 10 साल में दी गई हैं। युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसलिए पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। इसी क्रम में आज रोजगार मेले में देश भर से चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। ये युवा डाक विभाग, रेल मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य करेंगे। इन चयनित कर्मयोगियों को आईगॉट यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण लेने और अपने कौशल को संवारने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की इस अभूतपूर्व यात्रा में राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हमारे युवा बड़ी भूमिका निभाएंगे और इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे।